इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ 30,000 के अंदर मिलने वाले बेस्ट व्लॉगिंग कैमरास के नाम और मैं इन्हें क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ इन 2022। सो गाइस, मैं मान के चलूंगा कि आप ऑलरेडी व्लॉगिंग स्टार्ट कर चुके हैं अपने मोबाइल फोन से और अब आप अपग्रेड करने का सोच रहे हो, लेकिन अगर अभी जस्ट एंटर कर रहे हो व्लॉगिंग में और सीधे कैमरा में इन्वेस्ट कर रहे हो सो प्लीज स्किप दिस आइडिया। डू नॉट वेस्ट योर हार्ड अर्न मनी, चाहे वो पैसा माँ बाप का ही क्यों ना हो। खैर, अब आपने फैसला ले ही लिया है तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, मगर उससे पहले अगर वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो में मैंने सेलेक्ट किए हैं सिर्फ एक्शन कैमरास, क्योंकि वो थोड़े से सस्ते पड़ते हैं और लेंसेज बदलने का उनमें झंझट नहीं होता है, साथ में बिगिनर्स के लिए इजी टू यूज होते हैं। बजट की अगर बात करूं तो ये सारे कैमरास आपको अंडर 30,000 के मिल जाएंगे और इस वीडियो में मैंने जो कैमरास की रैंकिंग करी है वो इनके प्राइस के बेस पर करी है। बाकी आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो जिसमें मैं आपको एक्शन कैमरास से लेकर DSLR और मिररलेस कैमरास तक के बारे में बताऊंगा, जिससे आप अच्छी व्लॉगिंग कर सकते हो। बट दिस वीडियो आर डिजाइंड फॉर अल्टीमेट बिगिनर्स। और हाँ, जितने भी ये सारे प्रोडक्ट्स हैं इन सबके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप लोग वहाँ से परचेज कर सकते हो। और ये जितनी भी साइट है वो एक ट्रस्टवर्दी साइट्स हैं, मैं खुद भी इनका यूज़ कर चुका हूँ। स्टार्ट करेंगे हमारे सबसे पहले कैमरा से। इस लिस्ट के टॉप 3 ब्लॉगिंग कैमराज में जो नंबर 1 पर आता है वो है DJI की तरफ से DJI Action 2 Power Combo। इसके अंदर दो तरह के मॉड्यूल्स आते हैं, एक आता है ये वाला जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और एक आता है पावर कॉम्बो, जिसकी मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। प्रोडक्ट परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और ये साइट ट्रस्टेड है, सो आप बिना किसी टेंशन के इन साइट से परचेज कर सकते हैं। तो DJI Action 2 एक मैग्नेटिक मॉड्यूलर डिजाइन वाला कैमरा है जो कि बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है, अराउंड 56 ग्राम्स का इसका वेट है और इसमें मैग्नेट का यूज किया गया है फॉर द लॉकिंग पर्पस, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और साथ में एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा है जिसके सेंसर का साइज है 1x1.7 inches और ये एक CMOS सेंसर कैमरा है। इस कैमरा के लेंस के थ्रू आप f/2.8 अपर्चर पर शूट कर पाओगे और जो इसके अंदर फील्ड ऑफ व्यू आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 155 डिग्री का, जो कि काफ़ी वाइड एंगल हो जाता है। बात करें अगर वीडियो फ्रेम रेट्स एंड रेजोल्यूशंस की, 4K में अप टू 120 FPS, 2.7K में अप टू 120 FPS और 1080p मतलब फुल HD में अप टू 240 FPS तक शूट कर सकते हो। और साथ में इस कैमरा में आप 4K पर, 2.7K पर और फुल HD मोड पर टाइम लैप्स शूट कर पाओगे। अगर बात करूँ इसके बिटरेट की तो मैक्सिमम बिटरेट है 130 Mbps का। ISO रेंज की बात करूँ तो फोटो और वीडियो दोनों ही मोड पर 100 से लेकर 6400 ISO रेंज पर शूट कर सकते हो। शटर स्पीड की अगर बात करूँ तो इसके अंदर आप 30 सेकंड से लेकर 1x8000 सेकंड्स की स्पीड पर शूट कर सकते हो, इधर वो चाहे फोटो हो या वो वीडियो हो। बात करूँ अगर इसके स्क्रीन की तो इसके अंदर 1.76 इंचेस की टच स्क्रीन दी गई है। बिल्ट इन माइक्रोफोन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, एक्सटर्नल माइक्रोफोन भी आप इसमें लगा सकते हैं। DJI Action 2 एक वाटरप्रूफ कैमरा है, अगर आप इसको 10 मीटर तक विदाउट वाटरप्रूफ केस के चलाओगे तो, बट आपको वाटरप्रूफ केस को खरीदने की आगे ज़रूरत पड़ेगी अगर आप अंडर वाटर शूट करना चाहते हो तो। इसी के साथ इस कैमरे के अंदर आपको इन बिल्ट 32 GB की मेमोरी मिल जाएगी और आप इसके अंदर microSD भी डाल सकते हो अगर आपके पास पावर मॉड्यूल या फिर फ्रंट फेसिंग मॉड्यूल है तो। बिल्ट इन वाईफाई और ब्लूटूथ आपको इस कैमरा के अंदर देखने को मिल जाएगा। इस कैमरा के थ्रू आप 4x जूम कर सकते हो अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजर ऑफ है और 2x जूम कर सकते हो अगर आपका इमेज स्टेबलाइजर ऑन है। जी हाँ, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजर दिया गया है जिसकी वजह से आप काफ़ी स्मूथ शॉट वगैरह ले सकते हो। और 32 GB की इंटरनल मेमोरी भी है जिसे आप अपग्रेड कर सकते हो microSD के थ्रू। बात करूँ अगर DJI Action 2 Power Combo के प्राइस की तो ये करंटली इसका प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है 26,298 rupees ऑन क्रोमा। अमेजन और फ्लिपकार्ट पर मुझे ये अबव 30,000 के मिल रहे थे, सो मुझे लगा कि क्रोमा क्योंकि एक ट्रस्टेड साइट है तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, आप लोग वहाँ से परचेज कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पर जो हमारा व्लॉगिंग कैमरा है वो है Insta360 की तरफ से Insta360 ONE RS 4K एडिशन। Insta360 RS के अंदर तीन तरीके के एडिशन आते हैं। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये वाला है Insta360 RS Twin एडिशन, दूसरा आता है Insta360 ONE RS 1 inch एडिशन और एक आता है Insta360 ONE RS जो आप अभी इस वीडियो में देख रहे हो। तो ये कैमरा भी एक मॉड्यूलर डिजाइन वाला कैमरा है जिसका वेट है अप्रॉक्स 125 ग्राम
इसके अंदर जो सेंसर यूज किया गया है वो एक हाफ इंच का सेंसर है जिसका रेजोल्यूशन है 48 मेगापिक्सल, और इसी के साथ इसके लेंस के थ्रू आप f2.4 अपर्चर पर शूट कर पाओगे जिसकी इक्वलेंट फोकल लेंथ है 16 मिलीमीटर। बात करी जाए अगर वीडियो फ्रेम रेट्स एंड रेजोल्यूशन की, तो इस कैमरा के थ्रू आप लोग 6K पर अप टू 25 फ्रेम पर सेकंड, 4K पर अप टू 60 फ्रेम पर सेकंड, 2.7K पर अप टू 100 FPS और फुल HD वीडियोस 200 FPS पर शूट कर पाओगे। साथ में आप इसमें SDR मोड पर भी शूट कर सकते हो और टाइम लैप्स भी बना सकते हो। Insta360 ONE RS का जो मैक्सिमम वीडियो बिटरेट है वो है 100 MBPS, और अगर आप लोग जानना चाहते हो कि बिटरेट क्या होता है और थोड़े से कंफ्यूज हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। अब बात करते हैं कैमरा के ISO रेंज के बारे में। तो आप फोटो और वीडियो दोनों ही मोड पर 100 से लेकर 6400 तक शूट कर पाओगे। शटर स्पीड की अगर बात की जाए तो आप फोटो मोड पर 120 सेकंड से लेकर 1/8000 सेकंड तक शूट कर सकते हो, और अगर वीडियो की बात करूं तो आप फ्रेम रेट के अकॉर्डिंगली शूट कर सकते हो अप टू 1/8000 सेकंड तक। इस कैमरा में भी आपको इमेज स्टेबलाइजर देखने को मिलेगा, माइक्रोफोन इनबिल्ट दिया हुआ है, आप एक्सटर्नल माइक्रोफोन भी अटैच कर सकते हो और माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हो। कनेक्टिविटी के लिए इनबिल्ट ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों दिया गया है। बात करी जाए अगर वाटरप्रूफिंग की, तो ये कैमरा 16 फीट तक पानी में जा सकता है। अगर आपको लगता है कि कैमरे को और डुबोना चाहिए तो आई विल सजेस्ट यू टू बाय अ केस फॉर इट। बैटरी कैपेसिटी की बात करूँ तो इसके अंदर 1445 mAh की बैटरी यूज की गई है जिसके थ्रू आप 4K 60 FPS में कंटिन्यूअस 75 मिनट तक शूट कर पाओगे। प्राइस की अगर बात करूँ तो ये कैमरा क्रोमा पर 27,989 रुपीज का है, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, आप वहां से परचेज कर सकते हो। सो गाइज, ये है इस लिस्ट का आखिरी व्लॉगिंग कैमरा जिसका नाम है DJI Pocket 2। DJI Pocket 2 आता है अपने 3 एक्सिस गिम्बल के साथ जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो जॉयस्टिक से, एंड इसका वेट है अप्रॉक्स 117 ग्राम। पॉकेट 2 के अंदर जो सेंसर यूज किया गया है वो है 1/1.7 इंच का CMOS सेंसर जिसका रेजोल्यूशन है 16 मेगापिक्सल एंड 64 मेगापिक्सल। 16 मेगापिक्सल तब यूज होता है जब आप फोटो मोड पर ISO को यूज करोगे 100 से लेकर 6400 तक, और वीडियो में 4x जूम मोड पर आप शूट करोगे तब। लेकिन अगर आप 64 मेगापिक्सल का यूज करते हो तो फोटो मोड पर ISO 100 से लेकर 3200 तक ही यूज कर पाओगे, और वीडियो में 8x जूम मोड पर शूट करोगे तभी आपको 64 मेगापिक्सल यूज करने को मिलेगा। DJI Pocket 2 के अंदर जो लेंस दिया गया है उसके थ्रू आप f1.8 अपर्चर पर शूट कर पाओगे, जिसका फील्ड ऑफ व्यू अगर मैं बात करूं तो वो है 93 डिग्री। बात करें अगर वीडियो फ्रेम रेट्स एंड रेजोल्यूशन की, तो आप इस कैमरा के थ्रू 4K वीडियो बना पाओगे अप टू 60 FPS तक, 2.7K वीडियो बना पाओगे अप टू 60 FPS तक, और फुल HD यानी कि 1920x1080 वो आप बना पाओगे अप टू 60 FPS तक। उसी के साथ इसमें आपको एक SDR मोड भी दिया गया है जिसके थ्रू आप 2.7K वीडियो शूट कर पाओगे अप टू 30 FPS तक, और फुल HD वीडियो भी आप अप टू 30 FPS तक शूट कर पाओगे। और उसी के साथ आप लोग इस कैमरा के थ्रू टाइम लैप्स, मोशन लैप्स और हाइपर लैप्सेस भी बना पाओगे। DJI Pocket 2 के वीडियो बिट रेट की बात करूं तो मैक्सिमम वीडियो बिट रेट है 100 MBPS। बात करूं अगर ISO रेंज की, तो फोटो और वीडियो दोनों ही मोड पर आप 100 से लेकर 6400 तक ISO को यूज कर पाओगे। शटर स्पीड की अगर बात की जाए तो आप फोटो और वीडियो दोनों ही मोड पर 1/8000 सेकंड तक शूट कर सकते हो। DJI Pocket 2 में आपको इनबिल्ट माइक्रोफोन भी दिया गया है, आप इसमें एक्सटर्नल माइक्रोफोन भी लगा पाओगे, साथ में आप इसके अंदर माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हो अप टू 256 GB तक। इस कैमरा के अंदर भी बाकी दोनों कैमरा की तरह इनबिल्ट ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों ही दिए गए हैं। बात की जाए अगर बैटरी कैपेसिटी की, तो इसके अंदर जो बैटरी लगाई गई है उसकी कैपेसिटी है 875 mAh, जिसके थ्रू आप कंटिन्यू शूट कर पाओगे 140 मिनट तक वाइल रिकॉर्डिंग 1080p फुटेज ऑन 24 फ्रेम पर सेकेंड। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि इस लिस्ट के अंदर यही कैमरास क्यों हैं जबकि इसके कॉम्पिटिटर्स तो बहुत सारे हैं। हाँ जी बिल्कुल, कॉम्पिटिटर्स तो बहुत है, जैसे GoPro का हीरो 8, DJI Osmo Action पुराना वाला, DJI का ही Pocket 1 जो पुराना आता था, और InstaGo। बट देखो बात सिंपल सी है, इस बजट के अंदर इतने ज़्यादा स्पेक्स वाला कैमरा और नया सिस्टम मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। हाँ एक है Insta360 Go, पर उसमें आप वीडियो शूट तो कर लोगे लेकिन एक्सटर्नल माइक्रोफोन लगाने की जगह ही नहीं है। आपको इनबिल्ट माइक्रोफोन ही दिया गया है, जो कि मुझे लगता है कि आपको एज अ क्रिएटर रिस्ट्रिक्ट करेगा अगर आप एक सर्टेन बजट पर हो तो। सो गाइस, जितने भी कैमराज मैंने आपको यहाँ पर बताए वो अपनी कैटेगरीज में और अपने बजट में द बेस्ट कैमराज हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कैमरा हो या गियर्स,
वह आपकी उड़ान को तय नहीं कर सकता। जस्ट कीप मेकिंग द कॉन्टेंट, अच्छा हो या बुरा, लेट देम डिसाइड कि कॉन्टेंट अच्छा था या बुरा। सुमित ठक्कर साइनिंग ऑफ।